अभी ये आपका सेफ्टी इंडक्शन प्रोसेस है, सेफ्टी इंडक्शन जो भी आपका कोई नया आदमी आता है काम करने के लिए हम उनकी टीम में उसको सेफ्टी के बारे में बताते हैं, इंडक्शन क्या प्रोसेस है वो बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले शिक्षा आपको यही है कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल काम के दौरान नहीं करेगा, कान में लीड लगा के काम नहीं करेगा। अभी ये इनका लीड है, हटाओ इसको, अभी हटाओ, लीड नहीं चाहिए। जो भी अगर लीड लगा के दिखाई देगा मैं उसका जब्त कर लूँगा, लीड मोबाइल भी जब्त कर लूँगा। अरे काम के लिए हटाओ, हटाओ लीड, हटाओ, वेरी गुड, बस वेरी गुड, वेरी गुड, हटाओ, लीड नहीं लगाना है, ठीक है। नंबर वन, आप पहले कहीं काम किए हो? आप काम किए हैं? आप काम किए हो? आप काम किए हो? कितना साल काम किए हो ये मुझे बताना है। 8 साल। आप कितना साल काम किए? 4 साल काम किए, ठीक है। आप पढ़ाई कितना किए हो? आप 8वीं तक। आप कितना किए हो? 8वीं। आप कितना किए हो? 9वीं। वेरी गुड। कहाँ से किए हैं पढ़ाई? ठीक है, गांव से, यूट्यूब जोर से किए हैं, ठीक है। ये पढ़ाई ये आपका हो गया। आप उसके बाद में आप जहाँ भी काम करने जाओगे, यहाँ कर रहे हो कहीं भी काम कर रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ के जो सुरक्षा नियम है उनका पालन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कि आपका कहाँ काम किए हो, एक्सपीरियंस कितना है, और सेफ्टी के बारे में आप पहले से कितना जानते हो, ठीक है। ये हम इंडक्शन के दौरान सब पूछ लेते हैं। ये हो गया स्क्रीनिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद एक फ़ोटो आपको मुझे देना है, ठीक है। आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी है क्या सबके पास? आधार की फ़ोटो कॉपी हाँ, वो मुझे जमा कर देना, ये फॉर्म में लग जाएगी, ठीक है। जनरल सेफ्टी रूल आपको समझना है। यहाँ पर जो भी काम करेंगे आप, सबसे पहले ये समझ लो कि जो इंडक्शन बन जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन कार्ड आपको मिल जाएगा, वो कार्ड आपकी पॉकेट में रहना चाहिए, कभी भी हम चेक करेंगे। सेफ्टी इंडक्शन आपकी कार्ड में और कार्ड आपकी जेब में रहना चाहिए। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण, ये आपको हमेशा प्रयोग में लाने हैं, हमेशा पहनने हैं। ये सुरक्षा उपकरण कौन कौन से होते हैं? पीपीई कौन कौन सा होता है? हेलमेट, जैकेट, दस्ताना, नोज मास्क, चश्मा, सेफ्टी सूट, ये क्या है? हमारे पीपीईज है। क्या है ये? ये हमेशा पहन के रखना है और देख रेख भी आपको करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आपके साथी और आ रहे हैं तो उनकी उम्र या आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये विशेष तौर से ध्यान देना। मान लो कि आप आदमी बुला रहे हैं, पहले ये पूछ लो भैया 18 से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा अनुभवी आदमी होना चाहिए, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। फिर अब काम करते समय हमारे क्या काम में क्या क्या खतरे हैं ये हमको पता होना चाहिए। भाई हम कोई भी पाइलिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कॉलम पोस्ट लेके आएंगे, उसमें क्या खतरा है, क्या हो सकता है, कहीं से भी उससे चोट लग सकती है, स्लिप करके गिर के पैर में, हाथ में, या उसमें धार रहती है किनारे में तो उसे चोट लग सकती है, ये चीज़ को पता रखना चाहिए। जगह जगह हम लोग पाइलिंग का खड्डा रखते हैं, बनाते हैं कॉलम पोस्ट ग्राउंड करने के लिए, वो अंदर पैर जाके आदमी का पैर हाथ में चोट लग सकती है, गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, सांप बिच्छू का खतरा है, डॉक्टर का, ये साइड को हमारे में खतरे हैं, ठीक है। गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है और अजक चल रहा है, इनसे भी आदमी को चोट लग सकती है अगर ठीक से वो नहीं चला रहा है, ठीक से आप देख के काम नहीं कर रहे हो तो। फिर आप अगर ठीक से सुरक्षा पर हेलमेट वगैरह नहीं पहन रहे हो तो किसी चीज़ से टकरा के या गिर के चोट लग सकती है, ये काम में हमारे में खतरा है। जब चालू होगा कुछ मशीनें चलेंगी इलेक्ट्रिकल से, बिजली से, उसमें करंट लगने का खतरा है, कुछ जगह कहीं पे जैसे उसके से चिपचार बनेगा, टाइम खींचेगी तो हाइट का भी काम रहेगा, कहीं कहीं ट्रांसफॉर्म आएगा ऊपर रखते भी काम करेगा, जो वहाँ ऊपर से गिरने का भी खतरा रहता है जो आदमी काम करेगा इस पर। आपके यहाँ यही खतरे हैं, इनका सावधानी यही है कि सुरक्षा पर बैठे काम करें, खड्डे हैं तो डेडिकेट करके रखें उस एरिया को, है सेफ्टी पोस्टर जगह जगह लगे रहेंगे, उनको पढ़ना है, समझना है, और वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के ज्ञान के लिए उनको समझना है, तो ये उनकी देख रेख भी आपको ही करना है। कोई भी आदमी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, नशे का इस्तेमाल काम के दौरान नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद में कोई भी आदमी लड़ाई झगड़ा, हॉर्स प्ले जिसको बोलते हैं, उधम करके उसको धक्का मुक्की कर दिया और भाग कर गया, ऐसा कोई हॉर्स प्ले टाइप का कुछ ऐसा उधम नहीं करेगा सही से, ठीक है, ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अपने टूल्स को ठीक से यथास्थान रखेंगे, हाउस कीपिंग का ध्यान रखना है, कोई कचरा नहीं फैलाएंगे,
खाना खा रहे हैं, कुछ बच गया मटेरियल किधर भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना है, उसको डस्टबिन में डालना है, ये भी चीज़ का आपको ध्यान देना है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लगे हुए हैं साइट पे, और वो आपको दिए जाएंगे गेट पास पे लिख के, आपका जो पास बनेगा ना इंडक्शन पास उस पर लिख दिए जाएंगे, तो वो पास आप एमरजेंसी नंबर कॉन्टैक्ट आपके पास होना चाहिए। इनकेस कुछ हो गया किसी को, चोट लग गई कभी भी, तो वो आप आराम से उसको नंबर को देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक दूसरे की मदद करना है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ के भाग जाए, कोई बेहोश हो गया कुछ हो गया तो उसकी मदद करना है। मदद कैसे करेंगे, अपने सुपरवाइजर को, साइड इंचार्ज को या सेफ्टी वाले को तुरंत कॉल करेंगे, जो नंबर आपके पास रहेंगे इमरजेंसी वाले, और उसकी मदद करेंगे, बताएंगे इस आदमी को ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, आपके साथ में कोई भी व्यक्ति आ रहा है पहले से, अगर उसको कोई बीमारी है, कोई मिर्गी या चक्कर आता है, दौड़ा पड़ता है, तो ऐसा कुछ है तो बताएं हमको, पहले बता के रखें, ठीक है, उस चीज़ को छिपाएं नहीं। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी इमरजेंसी सायरन बजेगा तो आपको असेंबली पॉइंट पे आना है। असेंबली पॉइंट कहाँ है, ऑफिस के पास में, समझे, सेफ्टी पार्क बनाया है ना ऑफिस पास, ऑफिस के पास में वहीं फर्स्ट एड सेंटर है, तो कोई भी चोट वोट लगेगी तो वहाँ आके बताना है, रिपोर्ट करना है, और क्या कैसे लगी उसको भी बताना है, दवा दूरी कराना है। कोई भी चोट लगने से भी आदमी बचता है, नियर मिस होती है किसी के साथ, नियर मिस मतलब चोट लगने से बचता है, तो वो भी बताना है कि कैसे हुई है घटना। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी है आपको डेली बेसिस पर। उसके बाद में जब भी सायरन बजेगा तो आपको काम बंद करके आपको असेंबली पॉइंट पर आना है। असेंबली पॉइंट ऑफिस के पास है, फर्स्ट एड सेंटर ऑफिस के पास है, आग बुझाने का उपकरण फायर एक्सटिंग्विशर अगर आग लगती है तो वो भी ऑफिस के पास है, आप वहाँ आपको पता होना चाहिए ताकि उसको तुरंत लेके आग को बुझाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑफिस के पास हैं, जब भी सायरन बजेगा आपको वहाँ आना है, और कहीं आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ से ला के बुझाना है, और पीने का पानी भी वहाँ ऑफिस के पास है, टंकी बनी हुई है, वहाँ पानी पी सकते हो, और जगह जगह भी आप जहाँ काम करेंगे और उसमें कैंपर में पानी रखा गया है, वहाँ रखा है तो आप वहाँ जाके पानी पी सकते हो। ठीक है, ये पीने का पानी हो गया, और कचरा डस्टबिन में डालेंगे, कोई कचरा कहीं फैलाएंगे नहीं उधर उधर। आप जैसे काम कर रहे हो सीमेंट बैग है उनको भी एक जगह रोल करके अच्छा से, और स्क्रैप यार्ड सीमेंट का बैग का है वहाँ पर रखेंगे, वहीं बना हुआ है जहाँ सीमेंट बैग आपके रखे हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, कहीं गड्ढे हो रहे हैं तो उनका बैरिकेड हो रहा है तो बैरिकेड को तोड़ेंगे नहीं, उनको समझना है कि भाई ये खतरा है इसलिए यहाँ बैरिकेड किया गया है, उसको तोड़ के ऐसे जाना नहीं, आने जाने के सही रास्ते का प्रयोग करना है। जो रास्ता हमने बनाया है कि ये बाहर जाने का रास्ता है, क्लियर लिखा है वहाँ पर, तो वो रास्ते से जाएं, ये अंदर आने का रास्ता है वो रास्ते से आएं, तो आने जाने वाले सही रास्ते का प्रयोग करें आप, शॉर्टकट का इस्तेमाल न करें आप कोई भी व्यक्ति। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेफ्टी इंडक्शन के बारे में, जो कि आपको हमेशा साइड पे काम करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, सुरक्षा के नियम यही है हमारे, इनको आपको ध्यान देना है। बाकी की पर डे हम आपको हर दिन कुछ न कुछ टॉपिक के बारे में, जो भी काम कर रहे हैं आपके टूल्स के बारे में, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में क्या खतरा है, उस सब के बारे में आपको समय समय पर हम बताएंगे और बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। बंद कर दो भैया, वीडियो बंद कर दो।